हेलो फ्रेंड्स, तो अभी बज रहा है 10:30। एज यू कैन सी, अभी दिखाते हैं। तो कल हम जा रहे हैं वृंदावन, और अभी मैं नाइट को शूट कर रही हूँ, रात के 10:30 हूँ मैं। तो मैं आपको दिखाती हूँ, हमारी पैकिंग इज रेडी एंड मम्मी अपने हाथों से कृष्ण जी के लिए पटका बना रही हैं। तो लेट मी शो यू। सी द टाइम, इट्स 10:30। एज यू कैन सी आवर बैग्स, एज इट इज 2 डेज ट्रिप्स, पैकिंग इज ऑलमोस्ट रेडी एंड मैं आपको पटका दिखाती हूँ। एंड ये कोल्ड ड्रिंक के थे हमारे लड्डू गोपाल के क्लोथ्स एंड इतने सारा चिप्स एंड ऑल। देखिए कितने सारे चिप्स मैं लेके आई हूँ। अभी मैं ऑलमोस्ट 8 o'clock लेके आई, जिनको ओरियो बिस्किट्स हैं। ये सब हमारा सामान है और हम और भी लेंगे अभी। तो ये रही मेरी मम्मी। हेलो हेलो। तो ये रहा हमारा पटका, देखो कितना सुंदर है। तो अभी मम्मी रेडी कर रही है इसको। ये मैं तैयार कर रही हूँ अपने कान्हा जी के लिए पटका। यस। अब इसमें हम इस तरह से प्लेस डालेंगे, इस तरह से पूरा प्लेट डलेगी इसमें, और ये रेडी करेंगे। और रेडी करने के बाद आपको दिखाते हैं कि इसकी लुकिंग कैसी लगेगी। यस। तो पटका अपने हाथों से बनाएंगे हम अपनी कान्हा के लिए, और वहाँ पर जाकर चढ़ाएंगे इसको और कान्हा जी पहनेंगे हमारे। यस। देखिए, तो गाइस हमारा पटका कृष्ण जी का तैयार हो चुका है। ये देखिए, मैंने इसको तैयार कर दिया है अपने कान्हा के लिए, और मैं आपको दिखाना चाहूँगी। मैंने जब ये वीडियो बनाने स्टार्ट की थी तो 10:30 हो रहे थे, और अब 12 o'clock हो चुके हैं। बहुत रात हो चुकी है, लेकिन क्या करूँ, मुझे अपने कान्हा के लिए ड्रेस रेडी तो करनी ही थी, रेडी तो करनी पड़ेगी। ये देखिए, मैंने राधा रानी की चुन्नी बनाई है। ये राधा रानी की चुन्नी है, और एक छोटा सा क्यूट सा ये मैंने अपने कान्हा के लिए, कुंज बिहारी जी के लिए तकिया बनाया है। ये देखिए, तो वीडियो में कमेंट करके बताइएगा आपको कैसी लगी ये मेरे कान्हा की प्यारी सी सुंदर सी ड्रेस। तो नहीं बोल सकते आप इसको, लेकिन पटका बोल सकते हो। राधे राधे। ये देखिए हमारे कान्हा आज कितने सुंदर लग रहे हैं, और ये जा रहे हैं सबसे पहले कोकिला वन, और फिर जाएंगे ये बरसाना अपनी दादा रानी से मिलने, और फिर हम जाते हैं रात में वृंदावन, और फिर हम आपको वहीं पर मिलते हैं। तो वीडियो पर बने रहे, थैंक यू। तो गाइस, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि हमें रात बहुत ज्यादा देर हो गई सोने के लिए, क्योंकि मैंने कान्हा जी के लिए पटका बनाया था। तो देखो मैं दिखाती हूँ आपको ये कैसा तैयार हुआ है पटके। ये देखिए, ये दोनों साइड से ऐसे बन गया, और फिर मैंने सोचा कि जब मैं कान्हा जी के लिए बना रही हूँ तो क्यों ना अपनी राधा जी के लिए बरसाने में चुन्नी भी लेकर जाऊँ। ये देखिए, क्योंकि मैंने छोटी सी प्यारी सी चुन्नी बनाई, क्योंकि जब हम वहाँ जाते हैं तो चुन्नी प्रसाद में खरीदते हैं, तो मैंने सोचा अपने हाथ से ही बनाकर ले चलूँ। और फिर मैंने अपने कान्हा जी के लिए छोटा सा प्यारा सा कुंज बिहारी जी के लिए ये तकिया भी बनाया है, जो मैं वृंदावन में जाकर अपने कान्हा जी को समर्पित करूंगी, और मैं उम्मीद रखती हूँ कि उन्हें पसंद आएगा। ये देखिए कैसा लग रहा है, हमारी छोटी, देखो मैचिंग मैचिंग हो रहा है। कान्हा जी की ड्रेस भी लाल है और ये तकिया भी लाल है, और बड़ा ही अच्छा लगा मुझे इसे बनाकर। और कान्हा जी की भक्ति में अलग ही एक आनंद आता है जिसे बताया नहीं जा सकता,
वो आप भी जानते होंगे, कान्हा जी को जो कोई पहली बार देखता है तभी उनका दीवाना हो जाता है। मैं कई बार गई हूँ वृंदावन, जब मैं पहली बार गई थी तो मैं सोचती थी कि ये लोग इतनी भक्ति क्यों करते हैं कान्हा जी की। करती मैं भी थी लेकिन इतनी ज्यादा नहीं करती थी, लेकिन वहां जाकर इतना अच्छा लगा कि आकर उनके प्रेम की दीवानी बोल दो कैसे भी, हम भी भक्ति में लीन हो गए। और बहुत खुशी होती है इनकी पूजा करते हुए, इनका नाम लेते हुए। तो जो भी मैं कुछ करती हूँ और मन करता है कि बार बार कान्हा हमें अपने यहाँ पर बुलाएं, और जल्दी से जल्दी बुलाएं किसी बहाने के, तो इसलिए हमने ये प्लान बनाया कि हम जल्दी से कान्हा जी से मिल के आते हैं और उनके दर्शन करके आते हैं अपने वासी प्रसाद के। आप देखते हैं हमारे दर्शन कैसे होते हैं, वहाँ भीड़ मिलती है या क्या होता है। तो मिलते हैं हम आपको सबसे पहले कोकिला वन पर। देखो ये हमारी भाभी का फोन आया है जो हमारे साथ कुंभ नहाने गई थी। और जो कुंभ नहाते हैं तो बोलते हैं ब्रज की भूमि पर जरूर जाना चाहिए दर्शन करने, तभी कुंभ पूरा माना जाता है। लेकिन ये हमारी भाभी के साथ कुछ ट्रेजेडी हो गई, वो जा नहीं पाई। बोलो भाई क्या ट्रेजेडी हो गई तुम्हारे साथ, बोलो सुनाओ। बजट नहीं बना। बजट नहीं बना या चोट लग गई तुम्हारी भाभी के, दूसरी भाभी के पापा के? कहते मुझे छोड़कर जा रही हो। हाँ सही बात है, तुम्हें कान्हा जी बुला नहीं रहे थे दोनों को। हाँ तुम्हारी अर्जी नहीं लगी है, चलो जब कान्हा जी बुलाएंगे तब चलना, है ना? तो सबको बोलो राधे राधे। राधे राधे। जय श्री कृष्ण। ये देखिए यमुना आ चुकी है, कितनी सुंदर है, सूख चुका है पानी वैसे थोड़ा सा। ओह माय गॉड कितना अच्छा लग रहा है। और बीच में से देखो रास्ता है कितना सुंदर है, बीच में से एक पुल है। आ जाइए देखते हैं, हम हाईवे पे रुके अभी। देखो क्या नजारा है, ये यमुना जी है, ये देखो वहां से लेके वहां तक यमुना जी का नजारा। यस जय हो यमुना मैया की जय। चलिए चलते हैं। ये देखिए हम हाईवे पर चल रहे हैं, सब बैठे हुए हैं। और अब हम पहुंच चुके हैं होडल। कहाँ? होडल, होडल पलवल से आगे। अच्छा पलवल से आगे आगे है। पलवल से तो आगे कितना टाइम लगेगा? 30 मिनट और लगेगा। मिनट और लग जाएंगे हमें शनि मंदिर पहुंचने में। इसने यहाँ बैठे हुए और चिप्स खा चुके हैं सब, पर लड्डू गोपाल ने चॉकलेट खाई है। देखो कान्हा जी ने हमारे चॉकलेट खाई है, कैसे देख रहे हैं सबको, और वेट कर रहे हैं कि जल्दी से हम पहुंच जाएं और शनि मंदिर में दर्शन करें। एक्चुअली में हम कल भी जा सकते थे लेकिन वहाँ पर भीड़ इतनी रहती है कि बहुत मुश्किल से दर्शन हो पाते हैं, इसलिए हमने सोचा कि आज ही हम दर्शन कर लेते हैं। सही सोचा हमने है ना? ये देखो ये रास्ता कितना खराब हो रहा है जगह जगह पर, बहुत बुरी हालत है रास्ते की। अब हम यहाँ पे कोकिला वन आ चुके हैं। पार्किंग है यहाँ पर, ये देखिए धूप से। हमें कितना टाइम लगा यहाँ तक आने में? 2 घंटे लग गए हमें। अब टाइम हो रहा है 9 बज चुके हैं, 7 o'clock हम निकल गए थे घर से, तो 2 घंटे में पहुंच चुके हैं।
शनि मंदिर, ये देखिए सामने दिखाई दे रहा है, ये है नजारा। अब हम पार्किंग में अपनी गाड़ी को लगाएंगे और बाद में शनि महाराज के दर्शन करेंगे। ऐसे आज भीड़ नहीं है बिल्कुल भी, तो हम ये गाड़ी यहीं भी खड़ी कर सकते हैं। शनिवार के दिन उधर चलो, शनिवार के दिन यहाँ पर बहुत ज्यादा भीड़ होती है, जाम लगा रहता है, इसीलिए हम एक दिन पहले आए हैं। जी की गौशाला, अब हम एंट्री कर चुके हैं। बोलो शनि महाराज की जय। शनि देव मंदिर यहीं से दिखाई दे रहा है, ये सब दुकानें हैं जहां पर प्रसाद मिलता है। ले लो मम्मी। वासु के साथ अब हम शनि मंदिर के दर्शन करेंगे। और शनि महाराज की जय। आ आ द्वार उधर ही। देखो ये रहा श्री शनि देव प्रवेश द्वार। ना थैंक यू। शनि मंदिर के दर्शन करने के लिए सब देखो कितनी एकदम बस में भीड़ आई है। ये बस में लोग दर्शन करने के लिए आए हैं और अब हम मंदिर में प्रवेश करेंगे। अब हम यहाँ से एंट्री कर रहे हैं। चलो तो हम आपको अपने साथ ले चलते हैं शनि देव की यात्रा पर, आ जाइए हमारे साथ। नहीं, कटोरी में और दीपक में और
अगर अपने दो पत्नी नहीं निकाल पाया अभी उसको रख लेते सारे पैकेट खोल देंगे, तेल सतनजा प्रसाद चना सब खोल देंगे। जय हो शनि महाराज। और जिसका दीपक जल गया दीपक जलाइए। दीप हस्त में पापम दीप ज्योति नमस्ते। हम परिक्रमा कर रहे हैं शनि देव की। दीप आशाय दीप ज्योति नमस्ते। दीपक जला दीजिए। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गणद्वयम् मंगलम मुनिकाय मंगलाय स्तोत्रम् हरि बात कोई नहीं करेगा, थोड़ा थोड़ा प्रसाद अपने हाथों में लेंगे। ओम हरे नमः परिक्रमा करते हुए लड्डू गोपाल आ रहे हैं। ये देखो देखो हो गई ये शनिदेव निचराय नमः। मैं माथा टेक लूं। यहाँ माना जाता है ये नहीं जलाना है, उसको नहीं जलाना है, उसमें छाया देखनी है। ओ माता क्या बसो रो विश्व देव अमर जना तो गति पे चंपे जन्म का मान सुते रो माता जी हां ये जो है ये जो भी श्रद्धा है दान दक्षिणा थाली में डाल दीजिए तीन परिक्रमा करके चलिए। जय हो शनि महाराज की। हमारी परिक्रमा पूरी होगी है शनि महाराज, हमारी सब इच्छा पूरी करें। बोलो शनि महाराज की जय। लक्ष्मी नाम पार्थनेश्वर नाम सुखशांति जय गणेश मान सम्मान श्री सत्य पूजायाम श्री शांति योग शांति पूजायाम नमो काले कपड़े की पोटली बना लें और सात बार अपने ऊपर से उतारा करें। ओम ब्रह्मा मुरारी तत्रांतकारी रामो शशि भूमि सुतो उदयश गुरु शुक्रा शमिना उपे दो सर्वे राजामि करावंतु। शनिदेव और कपड़ा उसार के वही रख देंगे मेज पे। अब कटोरी देखेंगे, कटोरी में चेहरा देखेंगे अपना। नीलांजन समान संग रवि पुत्र मुख्य महाजन छाया
छायामात्र संभूतम् ये शनिदेव प्रभु हम आपकी शरण में आए हैं। अनजान कोई हमसे भूल बनी हुआ आप उसे क्षमा करें। हमें और हमारे परिवार में सदा सुख शांति आपकी कृपा बनी रहे। बिजनेस कारोबार नौकरी में आपकी सुखमयी कृपा मई कृपा हम पे बढ़ती रहे। आपके चरणों में ऐसे ही पूजा कुर्बान करते रहे। बोलो शनिदेव महाराज की जय। शनि महाराज हमारे कष्ट के यहाँ से निकलते जाएंगे। शनि देव का जो महात्मा है वो इस प्रकार है। एक बार ब्रज में दर्शन करने के लिए आए शनि महाराज तो माता जसोदा ने कहा बाबा हम आपको दर्शन नहीं कराएंगे क्योंकि सारी शादी लग जाएगी। बाबा आपकी दृष्टि किसी पर पड़ जाए तो सारी शादी। तो बाबा को बड़ा गलत लगा कि मेरी दृष्टि खराब है तो थोड़ा गुस्से में हो गए और इशारों ही इशारों में बात करने लगे। कन्हैया मैं तेरे दर्शन करने आया लेकिन मुझे दर्शन नहीं दिए। तो कन्हैया ने साहब ने कहा कि तू यहाँ से कुछ दूर जाके बैठ बन में मैं तुझे दर्शन। तो कन्हैया फिर आए यहाँ शनि देव महाराज उपासना में बैठ गए भजन में बैठ गए। तो शनि महाराज को दर्शन देने के लिए कन्हैया के साथ में खेलते शनि महाराज और यहाँ कोयल का रूप धारण किया। बोलो कपिलेश्वर बिहारी भगवान की जय। और शनि देव महाराज भी भगवान भजन करने लगे हैं। तो ऐसे ही सब लोग आते हैं और उनको वरदान दिया जो तेरे दर्शन करेगा दर्शन वापस से सारे संकट दूर होगा। जो तेरे दर्शन करने आएगा सारे संकट उसके दूर हो गए। तो ये शनि देव महाराज उपासना में बैठे हुए जो दर्शन करता है सच्चे मन से और न्याय देता है जल पंडित जी अच्छा छाया देखो छाया मतलब परछाई देखो जिससे हमारी वो उतर जाए। पंडित जी हमारे वासु को भी लगा दो वासु के जय हो कन्हैया की जय हो मार की जय की जय। यहाँ खड़े हो जाओ फोटो खींच लो खड़े हो जाओ साथ में लाना है अपने तेल की बोतल को साथ में लाना है और बाकी सामान वहीं रखना। अब हम शनि देव की परिक्रमा करेंगे। हमारी पूजा अर्चना हो चुकी है। बोलो शनि महाराज की जय। यहाँ पर दिया जलाया जाता है। जय हो शनि महाराज की जय। बोलो शनि महाराज की जय। बोलो शनि महाराज की जय। बोलो शनि महाराज की जय। अब हम आपको वीडियो से ही शनि मंदिर की परिक्रमा करा देंगे। बोलो शनि महाराज की जय। माना जाता है कि तीन बार इसकी परिक्रमा करनी चाहिए शनि मंदिर की। शनि महाराज की जय। यहाँ पर दिए जलाए जाते हैं। जय हो शनि महाराज की जय। मेरे बच्चे भी परिक्रमा कर रहे हैं। ये देखिए जय श्री शनि देव की। यहाँ पर हनुमान जी भी हैं। देखो बोलो हनुमान जी महाराज की जय। और समय हो चुका है हमें 9:15 और ये हमारी लास्ट परिक्रमा है। हमारे वासु भी परिक्रमा कर रहे हैं। आ जाओ बेटा बस आपकी हो गई तीन परिक्रमा। ठीक है हम माथा टेक लो हमारे हमारी थर्ड आई है तीसरी परिक्रमा आई है हमारी। बोलो श्री राधे राधे। बोलो श्री राधे राधे की जय। बोलो शनि महाराज की जय। बोलो शनि महाराज की जय। बोलो शनि देव जी की जय। राधे राधे। ये तीसरी परिक्रमा है हमारी।
अब हम जाकर माथा टेकेंगे। देखो हनुमान जी के हैं, हम भी माथा टेक लो बच्चों। जय हो हनुमान जी की जय। देखो यहाँ पर शिव जी की भी मूर्ति है। देखो जय हो भोलेनाथ की जय, स्नेहा जय हो गणपति महाराज की जय, जय हो भोले शंकर की जय। भोलेनाथ के दर्शन कर लो वासु की जय, हनुमान जी के दर्शन करो। अब हम यहाँ एग्जिट कर रहे हैं। देखिए देखो कान्हा जी दर्शन करने आए हैं। हमारे कान्हा जी को अंदर के दर्शन करा दो, अंदर के दर्शन करा दो, अंदर हम नहीं जाते हैं। तो यहीं से खड़े होके यहीं से दिखा दो दरबार कान्हा जी को। हमारे कान्हा जी भी दर्शन कर लेंगे वासु भी। जय हो बांके बिहारी लाल की। हमारे कान्हा जी दर्शन कर लेंगे, ले लेगा कान्हा जी को। हम दर्शन कर चुके हैं और अपनी गाड़ी के लिए जा रहे हैं। बहुत अच्छे दर्शन हुए शनि महाराज जी के। हे शनि देव आप सब पर कृपा बनाए रखना। देखो बोलो शनि महाराज की जय, राधे रानी की जय। राधे 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 राधे। स्नेहा ले 10 रुपीज उनको दे क्या। अरे मामी प्रसाद किसको देता हूँ। पकड़ वो जो बैठे हुए हैं ना वेरे, उनको दे दे। जय हो राधे राधे। बाबा नमस्ते। राधे 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 राधे। चूदन नहीं है पूतन फलियों में ना जी। खुशी रहो जी, खुशी रहो। ये बहन जी पटा हुआ भी है। चल जाएगा सब, सब चल जाएगा। चल जाएंगे। चलो दर्शन हो गए हैं बहुत अच्छे। ये देखिए श्री राधे राधे। बोलो शनि महाराज की जय। दर्शन हो गए हैं हमारे, बहुत अच्छे दर्शन हुए। बहुत अच्छा प्रसाद चढ़ा, पंडित जी ने हमें बहुत सारे आशीर्वाद दिए और बहुत खुशी हुई। इतने अच्छे से दर्शन हो गए हमारे। आप भी सभी इस वीडियो से दर्शन करें शनि महाराज के और उनकी। देखिए ये शनि मंदिर है, यहाँ सब प्रसाद मिलता है और यहाँ बड़ा आराम से आया जाता है, कोई परेशानी वाली बात नहीं है। हाँ पर शनिवार के दिन यहाँ बहुत भीड़ होती है और हम सब अब गाड़ी में बैठ रहे हैं, जाने के लिए तैयार हो चुके हैं। अब हम जाएंगे बरसाना, तो मिलते हैं हम सब बरसाने में। बोलो शनि महाराज की जय। ये इतनी बड़ी स्टैचू है शनि देव जी की, ये देखिए यहीं से दर्शन कीजिए। अब हम शनि देव मंदिर से बाहर आ चुके हैं, ये बाहर का है। यहाँ से जाते हुए कोशी कला से ये देखो
बोलो शनि महाराज की जय। शनि महाराज सब पर कृपा दृष्टि बनाए रखना। बोलो शनि महाराज की जय। Thank you.